आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी, मल्टी डायमेंशनल चेंज, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, तो आप उनको कैसे डील करोगे ये देखते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, गरीबी के कारण क्या है, इनिशिएटिव्स ले रखे हैं इसको लेकर के, गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, ये सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी, राइट। तो उनको आपको कैसे टैकल करना है देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा स्टार्टिंग कर सकते हो कि इंडियाज इकोनॉमिक पावर इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट, हमारी इकोनॉमिक पावर बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। हाउएवर डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, इंडिया हैज अ लॉन्ग वे टू गो टू टैकल पॉवर्टी एंड इंश्योर डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल, ठीक है। हालांकि हमारी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी अभी भी इंडिया में गरीबी बहुत ज्यादा है और अभी भी सभी लोगों को डिसेंट लाइफस्टाइल नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इशू है, इसको बहुत अच्छे से समझने की और टैकल करने की जरूरत है, राइट। तो यहाँ पे स्टार्टिंग इस तरह से, आप अगर आपसे पूछा जाता है कि पॉवर्टी क्या है, तो इस तरह से आप मिला के इसको बोल सकते हो, राइट। इसके अलावा देखो, द पुअर आर डिप्राइव्ड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, दे आर अनेबल टू एक्वायर स्किल विच फेच बेटर इनकम्स एंड लैक्स एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर, ठीक है। जो पुअर है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्वालिटी एजुकेशन उनको नहीं मिल पाती। जब एजुकेशन नहीं मिलेगी तो उनको उनके अंदर प्रॉपर स्किल्स नहीं होगी, कुछ ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जिससे वो ज्यादा अर्न कर सके, राइट। मैनुअल वर्क ही वो फिर कर पाएंगे, ठीक है, और मैनुअल वर्क में उतना ज्यादा अर्न नहीं कर पाएंगे, राइट। तो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा अफोर्डेबल हेल्थ केयर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सही तरीके से अफोर्डेबल हेल्थ केयर भी जो है, इस तरह के भी इश्यूज रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे जो है बता सकते हो, क्लियर है। तो शुरुआत आप इस तरह से, जब आपसे अगर पूछा जाता है व्हाट इज पॉवर्टी और इसके बारे में पूछा जाएगा, तो आप इन पॉइंट्स को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे शुरुआत में ही, राइट। व्हाट आर द बेसिक रीजन व्हाई इंडिया इज सो पुअर और वाई दे आर टू मच पुअर इन इंडिया, तो ये आप बता सकते हो कि द बेसिक रीजन इज पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से पीपल डोंट गेट प्रॉपर स्किल्स दैट आर नीडेड और दैट्स वाई देयर इनकम डज नॉट ग्रो, ठीक है। इसकी वजह से क्या इनकम बढ़ती नहीं है, और इनकम नहीं बढ़ेगी तो और भी ज्यादा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप IBSEIO के Tier 3 के बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आपको मॉक क्वेश्चन, नोट्स एंड PDFs और साथ ही साथ इंटरव्यू से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट टिप्स भी मिल जाती है। इंटरव्यू से रिलेटेड आपको करेंट और सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। डेली मॉक क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। साथ ही साथ आपका जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो भी यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो भी आपको इस बैच के अंतर्गत मिलेगा। और 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाएंगी, आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिल जाता है, आप 24/7 कभी भी डाउट पूछ सकते हो। और साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे, वो भी आप रिवीजन कर सकते हो, राइट। साथ ही साथ गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है, और लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, इस वजह से इस बैच को आप जरूर नोट कर लीजिए, राइट। फ्रेंड्स, आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, डिस्काउंट कोड आपको यूज़ करना है SG10, ठीक है। जो आप यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नाउ मेजर कॉजेस, कॉजेस क्या क्या है, मेन कारण क्या क्या है, उनको आप यहाँ पे बता सकते हो। तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, देखो असमानता बहुत है हमारे जो है कंट्री में, ठीक है। चाहे वो सोशल हमारी सामाजिक तौर पे देखा जाए, इकोनॉमिक तौर पे अगर देखा जाए, साथ ही साथ अगर पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, हर तरह की इनइक्वालिटी जो है इंडिया में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है हमारी इनकम जो है, जो जो मेजर पीपल है इंडिया में, उनकी इनकम में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, ठीक है। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि समानता नहीं है किसी चीज की, राइट। इसके अलावा सोशल एक्सक्लूजन है, ठीक है। जो हाई क्लास के लोग हैं वो जो है पुअर लोगों के साथ मिलके काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो सोशल एक्सक्लूजन भी है कि सबका अपना अपना एक ग्रुप बना हुआ है, हालांकि इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो, अगर वैसे देखा जाए होल इंडिया इंडियन ही होते हैं सारे के सारे, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं, बहुत ज्यादा एक सेपरेट माइंड सेट होता है सभी का, है ना, उसी के हिसाब से सब काम करते हैं। तो ये सोशल एक्सक्लूजन भी एग्जिस्ट करता है इंडिया में, राइट। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कोविड की वजह से भी काफी ज्यादा बढ़ा है, तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो यहाँ पे सिंपली आप बता सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये एक तरह से मेजर कॉज है जिसकी वजह से जो है पॉवर्टी बनी हुई है।
जब तक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं बढ़ेगी तब तक जो है पॉवर्टी भी उतना अच्छे से नहीं खत्म होगी, ठीक है। मतलब जब तक लोग रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को, जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होगी तब तक लोग के तो पास पैसा आएगा कहाँ से, जब काम करेंगे तभी पैसा आएगा, ठीक है। तो पॉवर्टी खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका ये है सबको रोजगार दे दिया जाए, अगर रोजगार सबको मिल जाएगा तो पॉवर्टी अपने आप खत्म हो जाएगी, राइट। इसके अलावा एक बड़ा कारण है इनडेप्टेडनेस। इनडेप्टेडनेस का मतलब कर्ज, लोग भाई छोटे छोटे काम के लिए कर्ज लेते हैं, चाहे वो बैंकों से लें, चाहे अपने रिश्तेदारों से लें या किसी और से लें, तो ये इनडेप्टेडनेस भी एक बड़ा कारण है जो आगे नहीं बढ़ने देती लोगों को, ठीक है। लोग कुछ बड़ा नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि वो उसी में ही उलझे रह जाते हैं। तो इनडेप्टेडनेस को भी खत्म करने की जरूरत है, कर्ज को भी यहाँ से खत्म करने की जरूरत है, राइट। इसके अलावा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी के पास है तो बहुत पैसा है, किसी के पास नहीं है तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसी की वजह से जो है ज्यादातर लोग जो है गरीब रह जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे, हालांकि इसके कारण है, कारण भी बहुत सारे हैं, तो वो चीजों को यहाँ पे समझने की जरूरत है। हालांकि गवर्नमेंट जो है इक्वालिटी क्रिएट करने की कोशिश करती है हर तरह से, क्योंकि जिनके पास हाई इनकम है उनसे टैक्सेस भी गवर्नमेंट ज्यादा लेती है, और फिर उनको किसी ना किसी स्कीम के फॉर्म में जिनके पास कम पैसा है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इक्वालिटी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है अपने लेवल पे, राइट। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा जो है इनइक्वालिटी है पुअर और रिच के बीच में, तो इसको बेसिकली इक्वलाइज करना उतना आसान नहीं है, राइट। तो यहाँ पे सिंपली आप मेजर कॉजेस के बारे में बात कर सकते हो, बता सकते हो, दीज आर वेरी कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस, ठीक है। आप इनको डिस्कस आसानी से कर सकते हो, राइट। इसके बाद बात आती है एग्रीगेट पॉवर्टी क्या होती है। तो पॉवर्टी क्या है कि जो इंडिविजुअल चीजें हैं उसको अगर हम जोड़ देते हैं तो उससे एग्रीगेट पॉवर्टी बन जाती है, ठीक है। मतलब इसके जो कॉजेज है उनको अगर सबको मिला दें, ठीक है, इंडिविजुअल बेसिस पे जो कॉजेज है उनको अगर हम मिला दें तो एग्रीगेट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और भी चीजें क्या है, अगर नेशनल लेवल पे देखी जाए, जैसे लो कैपिटल इनकम, हमारी कैपिटल इनकम कम है, भारत में जो है कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता उतना, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो उसकी वजह से रोजगार नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो लो कैपिटल फॉर्मेशन भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो उससे क्या है, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो बाहर से कंपनियां इंडिया में नहीं आएंगी, जिसकी वजह से क्या है यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी लोगों की क्या है जॉब नहीं रहेगी, राइट। तो जितनी बाहर से कंपनियां आएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के ही आएंगी कि यहाँ पे आके वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके लैक ऑफ डिमांड, डिमांड नहीं है उतनी, अगर पर्टिकुलर इंडस्ट्री अगर आ भी जाती है यहाँ पे तो उसकी डिमांड अगर नहीं है तो भी नहीं चल पाएगी, तो ये भी बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम है। प्रेशर ऑन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है अलग अलग चीजों का, ठीक है, तो प्रेशर भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा लैक ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, सोशल वेलफेयर को लेकर इतना ज्यादा जागरूकता नहीं होती, तो ये भी एक बड़ा कारण है, राइट। इसके अलावा हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी भी कहीं ना कहीं जो है इम्पेक्ट करती है, ये बेसिकली पॉवर्टी को शो करती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब वो इतने अच्छे से इलाज नहीं हो पाता, या फिर उनकी लिविंग कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं हो पाता, उसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, ये भी कारण है। तो माल न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ा कारण है, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार हो गए तो उसकी वजह से भी काम नहीं कर पाएंगे, राइट। चाइल्ड लेबर भी है, इसके अलावा लैक ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, ये सारी चीजें जो है एक तरह से फैक्टर्स हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं जो पॉवर्टी को खत्म करने में रोकते हैं, पॉवर्टी को बढ़ाते हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो इस तरह से इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो इजी वे में, क्लियर है सभी को। नाउ मूविंग टू इफेक्ट्स, इफेक्ट्स क्या होते हैं भाई, पॉवर्टी बढ़ेगी तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या चीजें बढ़ेंगी, क्या चीजें कम होंगी, ठीक है। तो इफेक्ट के बारे में बात करना जरूरी है, इसका इफेक्ट देख लो। द वायलेंस एंड क्राइम रेट इंक्रीजेस अलॉट, सबसे पहली चीज यही है कि जो क्राइम बढ़ेगा वायलेंस बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, पॉवर्टी होगी, गरीबी होगी, लोगों के पास काम धंधे नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, इलीगल तरीके से पैसे कमाने की सोचेंगे, ठीक है, चाहे वो किडनैपिंग करके या चैन स्निचिंग करके या मर्डर करके, किसी भी तरह से जो है वायलेंस और क्राइम इस तरह से बढ़ेगा हमारी सोसाइटी में, राइट। तो इफेक्ट इसका काफी ज्यादा घातक हो सकता है। इसके अलावा ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड मार्जिनलाइजेशन, पुअर पीपल यूजली इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस,
लाइक प्रोस्टिट्यूशन, थेफ्ट एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज. ठीक है, गरीबी की वजह से ही, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही लोग प्रोस्टिट्यूशन, साथ ही साथ जो है थेफ्ट या फिर अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कारण है, तो इसको भी यहाँ पे इफेक्ट के रूप में आप बता सकते हो. इसके अलावा पीपल आर जनरली होमलेस, सो दे स्लीप ऑन रोड साइड, मेकिंग इट अनसेफ फॉर देम, मोस्टली वुमेन एंड चिल्ड्रन. ठीक है, ज्यादातर लोग इंडिया में होमलेस हैं. ठीक है, तो होमलेस होने की वजह से क्या है, वो रोड पे ही सोते हैं, रोड पे ही बेसिकली स्लीप करते हैं, और ये बेसिकली वुमेन और चिल्ड्रन के स्पेशली जो है अनसेफ हो सकता है. ठीक है, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो इसका इफेक्ट. साथ ही साथ पॉवर्टी फोर्सेस पीपल टू सेंड देयर किड्स टू वर्क रेदर देन पुटिंग देम टू स्कूल्स. ठीक है, पॉवर्टी की वजह से क्या होता है कि लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ाने की जगह उनसे काम करवाते हैं. राइट, ऑन एवरेज पुअर फैमिली सेंड देयर चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 ईयर्स ओनली, यानी 5 साल की उम्र में ही बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है ऑन एवरेज अगर देखा जाए. ठीक है, तो ये बहुत ही कम एज है उस पर काम पे लगवा दिया जाता है, तो ये एक बड़ा इशू है. राइट, तो इस तरह से इफेक्ट काफी ज्यादा बड़ा होता है हमारी सोसाइटी पे इसका. राइट, तो इफेक्ट के बारे में ही बात कर सकते हो यहाँ पे कि किस तरह से हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट होता है पॉवर्टी का. राइट, अब बात करते हैं व्हाट इज बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन. आपने सुना होगा बीपीएल क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन क्या होता है. तो बीपीएल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड होता है, एक थ्रेश होल्ड होती है. ठीक है, एक थ्रेश होल्ड बना दी जाती है, इस थ्रेश होल्ड से अगर इनकम नीचे है तो वो आप बिलो पॉवर्टी लाइन में हो, मतलब गरीबी रेखा के नीचे हो, और इससे ऊपर हो तो अब पॉवर्टी लाइन हो. ठीक है, तो ये थ्रेश होल्ड बेसिकली आपको समझना है. ठीक है, तो यहाँ पे चीजें समझते हैं, जैसे पॉवर्टी लाइन सोली डिपेंड ऑन पर कैपिटा इनकम इन इंडिया, मतलब पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है. प्रति व्यक्ति आय क्या होती है कि जो भी टोटल इनकम हो रही है एक साल के अंतर्गत, उसको हम अगर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे तो हमारी पर कैपिटा इनकम हो जाती है. ठीक है, टोटल इनकम जितनी भी पूरे साल में, उसको अगर हम टोटल नंबर ऑफ पीपल जो हमारी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटा इनकम कहलाती है. तो पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति कितना अर्न हो रहा है. ठीक है, प्रति व्यक्ति कितना अर्न किया जा रहा है उसको बेसिकली यहाँ पे कंसिडर किया जाता है. जो पॉवर्टी होती है वो किस पे डिपेंड करेगी, हमारी पर कैपिटा इनकम पे. ठीक है, पीसीआई पे इम्पैक्ट बेसिकली डिपेंड करती है. राइट, ध्यान रखना है. इसके अलावा पॉवर्टी लाइन इज द मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड टू परचेज द बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर एसेंशियल टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स. ठीक है, यानी पॉवर्टी लाइन जो होती है वो मिनिमम इनकम को दर्शाती है जिससे हम अपनी बेसिक नीड्स जो है, बेसिक जरूरतों की चीजों को खरीद सकते हैं. राइट, और अपनी बेसिक ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं. राइट, तो इस तरह से आप पॉवर्टी को डिफाइन कर सकते हो. पॉवर्टी लाइन क्या होती है, मिनिमम वो लाइन, पॉवर्टी लाइन वो थ्रेश होल्ड है इनकम की जिसकी रिक्वायरमेंट हमें होती ही होती है, मतलब इसके बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता इतनी इनकम के बिना, है ना, उसको हम लोग पॉवर्टी लाइन बोलते हैं. राइट, बाकी बीपीएल इज सेट बाय द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन थ्रेश होल्ड इनकम. ठीक है, थ्रेश होल्ड इनकम के बेसिस पे गवर्नमेंट ने बिलो पॉवर्टी लाइन जो है उसको सेट किया हुआ है. द हाउस होल्ड और इंडिविजुअल हैविंग एन इनकम बिलो दिस थ्रेश होल्ड वैल्यू आर कंसिडर्ड टू बी अंडर पॉवर्टी लाइन. यानी हाउस होल्ड, अगर कोई परिवार है या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन है जिसकी इनकम इस थ्रेश होल्ड से कम है तो उसको बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कंसिडर किया जाए. राइट, द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज बिलो दिस पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड पॉवर्टी रेशियो और हेड काउंट रेशियो. यानी वो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, यानी वो लोग जो इस पॉवर्टी लाइन के नीचे है उनको पॉवर्टी रेशियो बोला जाता है या फिर हेड काउंट रेशियो ही बोला जाता है. ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो. ठीक है, द पॉवर्टी लाइन इज कैलकुलेटेड एवरी 5 ईयर. अब देखो, जैसे हमारी जनगणना होती है, ठीक है, जैसे पॉपुलेशन की जो काउंटिंग होती है इसको जनगणना बोलते हैं, वो हर 10 साल में होती है, 10 ईयर्स में होती है. ठीक है, ऐसे ही हमारी जो पॉवर्टी लाइन है इसकी कैलकुलेशन जो होती है, इसकी जो यहाँ पे जो है काउंटिंग होती है, वो हर 5 सालों में होती है, एवरी 5 ईयर्स में होती है. ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे, पॉवर्टी लाइन के कैलकुलेशन कब होती है, हर 5 साल में होती है. अब पॉवर्टी लाइन के लिए थ्रेश होल्ड क्या है इंडिया में, देखो, अ पर्सन हु इज स्पेंडिंग 33 रुपीज अ डे इन अर्बन एरिया एंड ओनली 27 अ डे इन रूरल एरिया बिलो पॉवर्टी लाइन. ठीक है, वो उसको बिलो पॉवर्टी लाइन में कंसिडर किया जाएगा. यानी कोई भी व्यक्ति अगर 33 रुपए खर्च कर रहा है एक दिन में, ठीक है, अर्बन एरिया में यानी शहर में, और 27 रुपए खर्च कर रहा है रूरल एरिया में यानी गांव में, तो वो पर्सन क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहा है. मतलब ये मिनिमम थ्रेश होल्ड है कि पर डे की अगर 33 रुपए खर्च कर रहा हूँ और बेसिकली
अर्बन एरिया में, और इसी तरह रूरल एरिया में अगर 27 रुपए पर डे खर्च कर रहे हैं तो उस केस में वो पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन होगा, ठीक है। इससे जितना ज्यादा खर्च करते जाएंगे उतना ज्यादा व्यक्ति जो है अबव पॉवर्टी लाइन होता चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिक जो थ्रेश होल्ड है वो यही 33 और 27, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, बीपीएल के लिए थ्रेश होल्ड आपसे पूछा जा सकता है, तो 33 रुपीज अर्बन एरियाज के लिए, 27 रुपीज रूरल एरियाज के लिए, राइट। तो इजिली इसको आप ध्यान रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पॉवर्टी को खत्म करने के लिए कई सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, उनमें से आप इनको ध्यान रख लो जिनको आप मेंशन कर सकते हो। जैसे प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसको हम लोग पीएम स्वनिधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। हालांकि इन स्कीम्स को इंडिविजुअली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग एसेज में भी कवर कर चुके हैं, तो वहां से जाके आप इनकी फुल डिटेल्स भी देख सकते हो, राइट। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन यानी पीएम स्वम, ठीक है। इसके अलावा नेशनल न्यूट्रिशन मिशन पोषण अभियान के नाम से स्कीम चलाई गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, क्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना ध्यान रखिए गैस सिलेंडर से संबंधित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आप सभी ने सुन रखा होगा, और प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। जनधन योजना में बेसिकली अकाउंट खोले गए थे, ये जो है आपकी सोशल इंक्लूज, ये एक तरह से जो है बेसिकली यहाँ पे लोगों को एक तरह से बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने के लिए योजना लाई गई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना भी इसी में आती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो पॉवर्टी एलिवेशन से रिलेटेड जो गवर्नमेंट स्कीम्स है जो इम्पोर्टेंट है वो आप इनको बता सकते हो, राइट। तो इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, राइट। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप वहां से देख सकते हो, वहां से ले जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करेगा इस वीडियो को, शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड।